महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो आपको लगता है कि ये जेंडर गैप जो कह रही है, इनइक्वालिटी कह रही है, वो ख़त्म हो जाएगा? आप मुझे ये बताइए शशि कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहा, उसमें बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, उसमें तमाम महिला वैज्ञानिक भी थी, उनमें से कुछ के नाम आप मुझे बता सकती हैं? पटना बिहार की राजधानी है। पटना को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया और कब? मैं कमेंट सर? यस कमेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बैठ जाइए, अपना परिचय दीजिए हमें। सर मेरा नाम शशि प्रिया है। मैं सर वर्तमान में झारखंड के धनबाद ज़िले में रह रही हूँ। सर ऐसे मैं मूल रूप से बेगूसराय से आती हूँ सर, और सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा धनबाद ज़िले के ही विद्यालय से हुई है, और मेरा ग्रेजुएशन ज़ूलॉजी सब्जेक्ट में धनबाद ज़िले से ही हुआ है सर। आपने ग्रेजुएशन किया है 2017 में जी, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 2022 में, ऐसा क्यों हुआ है? सर 2017 जब ग्रेजुएशन जस्ट एंड पे था सर, उस वक्त सर मेरी शादी हो गई, जिस वजह से सर कुछ रुकावटें आई, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई सर। अच्छा। ये बताइए कि आपने जूलॉजी से किया है जी, और विथ फिशरीज स्पेशलाइजेशन की है आपने। ये बताइए, अगर आपका चयन हो जाता है बिहार प्रशासनिक सेवा में, तो जो ज्ञान आपने अर्जित किया है जूलॉजी में, उसका उपयोग कैसे करेंगी बिहार में? सर अगर बिहार की बात की जाए सर, तो बिहार में सर मत्स्य उत्पादन और फिशरीज सेक्टर या एक्वाकल्चर सबका बहुत बड़ा स्कोप है सर, और वहाँ पे अभी मुख्यतः एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ ही सबसे ज़्यादा चरम पे है, जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर सर फिशरीज़ में स्कोप डेवलप किया जाए तो जीएसडीपी में और सुधार लाया जा सकता है सर। इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है सर। सेंट्रल लेवल की पीएम मत्स्य संपदा योजना चल रही है। उसके अलावा सर अगर मुझे उसमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला सर, तो मैंने जो भी उस पर रिसर्च वर्क्स वगैरह किए हैं सर, उसकी यूटिलाइजेशन करना चाहूँगी। जैसे सर इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग, जिसमें सर एग्रीकल्चर और फ़िश एक्वाकल्चर दोनों को कंबाइंड इफ़ेक्ट से सर जितना हो सके वो फ्रूटफुल उसका यूटिलाइजेशन हो सके। आपको लगता है कि बिहार के जीएसडीपी में अगर प्रगति होनी है त्वरित गति से जी, तो बिहार सरकार को एग्रीकल्चर पर उतना एम्फेसिस नहीं दे के एग्रो बेस्ड या एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सर बिहार सर बहुत एंशिएंट टाइम से ही सर देखा जाए तो सर एक एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट वहाँ ज़्यादा है सर। ऑक्यूपेशनल बिहेवियरल चेंजेस आने में सर टाइम लगेंगे, लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 80% एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हैं सर। कुछ जैसे सर स्कीम वगैरह लाए जाएंगे, उसके बाद अगर जागरूकता होगी और लोग को ये पता चलेगा कि इसमें भी स्कोप है, और सर तो फिर उस दिशा में अगर कदम उठाए जाएंगे तो लोग भी सर प्रभावित होंगे। मान लिया जाए आपको दायित्व दिया जाए कि बिहार को, ऐसा आपने बताया ना एग्रीकल्चर एक ऑक्यूपेशन है, कि एग्रीकल्चर को ऑक्यूपेशन से आप बिजनेस बनाओ, कौन सा मॉडल आप सजेस्ट करेंगे बिहार सरकार को? सर एग्रीकल्चर को बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए बात चल रही है ना, किसानों की आमदनी 2 साल दोगुनी हो जाए, तो अगर उसको बिजनेस बना दिया जाए, उसको ऑक्यूपेशन, क्योंकि सालों साल ये बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है जी, ये टाइम आ गया है कि इसको हम ऑक्यूपेशन के रूप में देखा जा रहा है कि इसको बिजनेस बनाया जाए। तो आपने तो विद्या भी अर्जित की है, ज्ञान भी हासिल किया है, आप बताइए कि आप क्या सजेस्ट कर सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि किस तरह का मॉडल बनाया जाए ताकि ये ऑक्यूपेशन ना होके बिजनेस बन जाए? सर जैसे एक एमएसएमई इंडस्ट्री से शुरुआत करके सर इसको टॉप नॉच पे पहुंचाया जा सकता है। जैसे सर छोटे लेवल पे अगर हम केज कल्चर को प्रमोट करेंगे, या इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग या रिवर रैंचिंग प्रोग्राम्स लाएंगे, तो उससे सर धीरे धीरे सुधार होगा और फिर सर टॉप नॉच पे ये इंडस्ट्री बन सकती है सर। अच्छा, आप नारी सशक्तिकरण से क्या समझती है? विमेन एम्पावरमेंट? सर विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी फिलॉसफी है सर जिसके द्वारा हम ये समझें कि अगर जेंडर किसी भी चीज़ में रुकावट ना बने सर, उसके फुलफिलमेंट ऑफ पोटेंशियल, जितनी भी पोटेंशियल है उसमें, वो फुलफिल हो पाए और उसमें जेंडर की कोई रुकावट ना आए। सर, तो अगर महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं तो आपको लगता है कि ये जेंडर गैप जो कह रही है, इनइक्वालिटी कह रही है, वो ख़त्म हो जाएगा? सर, बिहार की सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है सर, जहाँ तक देखा जाए तो सर बिहेवियरल चेंजेस आने में टाइम लगेंगे, लेकिन सर अभी जीविका मिशन वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो रही है। तो हाँ सर, कहा जा सकता है कि समय लगेगा, पर एक पॉजिटिव साइड है सर इसका। अगर विमेन एम्पावरमेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी ख़त्म होगी सर, और बहुत हद तक हुई भी है। अंतिम प्रश्न आपसे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 50% रिजर्वेशन है महिलाओं का, आपने कोई अध्ययन किया है कि जब से ये लागू हुआ है आज तक महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है या नहीं? सर, इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं, नेगेटिव साइड्स भी हैं। पॉजिटिव साइड्स ये है सर कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई है। वो जैसे सर समाज में जैसे उनको एक पिछड़ा दर्जा दिया हुआ था पैट्रियार्की की वजह से सर, वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन सर वहीं पर उसके नेगेटिव साइड हैं, जैसे सर सरपंच पति का वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलराइजेशन है, टाइटल सरपंच पति सर, जिसका मतलब ये हुआ कि फीमेल जो है उसे कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है, बस एक पोस्ट उसे दी जाती है और फिर सर उसके बाद वो सारा डिसीजंस वो करते हैं। आपने पर्सनल लेवल पे किसी सरपंच पति को देखा है काम करते हुए या किताबी बात कर रही हैं आप? नहीं सर, ये किताबी बातें नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है तो मैं कुछ दिन तो वहाँ पे रही हूँ सर, तो मैंने ये अनुभव किया है, ऐसा है सर। धन्यवाद। शशि जी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा आपने? जी सर। क्या होती है ये थ्योरी और किसने दी है? मैम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चार्ल्स डार्विन सर ने दी है। और सर मैम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड है। जैसे मैम अगर अडेप्टेशन जो डेवलप कर सकता है वो मैम सर्वाइव करेगा, जो नेचर के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करेंगे, और जो मैम नेचुरल के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाते हैं मैम वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उससे उनका पॉपुलेशन सस्टेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो स्टेट होता है, राज्य होता है, जो राज्य सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी का पालन नहीं करता है, सबके कल्याण की बात करता है, उस राज्य को क्या कहते हैं? सॉरी मैम, भारत एक किस तरीके का राज्य है? मैम वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं। हाँ, वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए शशि कि जीएसडीपी क्या होता है? मैम जीएसडीपी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करके मैम जितना इनकम जनरेट हो रहा है स्टेट लेवल पे और उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अंदर, उसको कहते हैं। कितना है बिहार में अभी जीएसडीपी? मैम करंट रेट पे देखा जाए तो 8.65 लाख करोड़ है मैम। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। ये बताइए, वर्ली आर्ट का नाम सुना है आपने? यस मैम। क्या होती है? मैम वर्ली आर्ट एक फोक पेंटिंग है, महाराष्ट्र से बेसिकली बिलोंग करती है मैम। उस पर मैम ट्राइबल पेंटिंग्स उस पर बनी होती है। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताइए शशि कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहा, उसमें बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, उसमें तमाम महिला वैज्ञानिक भी थी, उनमें से कुछ के नाम आप मुझे बता सकती हैं? मैम अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है इस वर्ष के लिए और उसकी मीटिंग्स हो रही हैं अलग अलग शहरों में। बिहार में अभी तक कितनी बैठकें हुई हैं G20 की? मैम एक ही हुई है, लेबर समिट हुआ था मैम पटना में, बस वही हुई है। वही हुई है। और G20 की अध्यक्षता से भारत ने क्या क्या हासिल किया है? मैम G20 से देखा जाए तो मैम मल्टीपल लेवल्स पे उस बेनिफिट हुआ है इंडिया को मैम। सबसे पहला बेनिफिट जो अभी अनाउंस हुआ है मैम वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है मैम, जिससे बहुत हद तक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की समस्या हल हो सकती है मैम, और वेरियस मिडिल ईस्ट कंट्री से भी हेल्प हो सकती है। उसके अलावा मैम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग मैम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी अडॉप्ट हुआ है मैम, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी की समस्या जो भी है मैम वो सॉल्व हो सकती है। और मैम एक इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन भी मिली है। और मैम अगर इसका फार पर्सपेक्टिव देखा जाए तो मैम जैसे अफ्रीकन यूनियन को मैम एंट्री दी गई इंडिया के द्वारा, उससे मैम कहीं ना कहीं देखा जाए तो UNSC में भी सीट, परमानेंट सीट के लिए इंडिया सोच सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि बिहार से कितने लोगों को इस वर्ष पद्म पुरस्कार मिले हैं? मैम एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, शायद मैम कैन आई गेस? यस यस, श्योर मैम 6? नहीं, थोड़ा सा गलत है आपका, 3। सॉरी मैम, कोई बात नहीं, आप उसको देख लीजिएगा कितने हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो बिहार में, क्योंकि आप प्रशासक बनना चाहती हैं, बिहार के प्रशासन में जाने के बाद आप अपने आप से क्या अपेक्षाएं रखती हैं? मैम जितना मैंने देखा है वहाँ पे रह के मैम बहुत हद तक वहाँ पे पैट्रियार्की है मैम, जो धीरे धीरे टाइम लगेगी मैम ठीक होने में। और मैम इनिशियल डेज में कुछ कुछ मुझे भी फेस करना पड़ा मैम, उसको मैंने ओवरकम किया और फिर मैंने आगे स्टडी कंटिन्यू की। तो मैम मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम जरूर करना चाहूँगी मैम। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। शशि, बिहार का विधानमंडल एक सदनीय है या द्विसदनीय है? सर द्विसदनीय है। अच्छा, बिहार के अलावा और किन किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? सर महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अच्छा, ये विधानसभा कितना पुराना है बिहार का? कब बना था? सर एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर सर उसकी बिल्डिंग के 100 वर्ष पूरे हुए थे पिछले साल ही। एग्जैक्ट याद नहीं है सर, सॉरी सर। 100 वर्ष पूरे हुए थे, इसका मतलब 100 वर्ष पहले बना था। नहीं ठीक है। पटना बिहार की राजधानी है जी। पटना को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया और कब? सर उडयन ने बनाया था सर, पाटलिपुत्र को बनाया था जी। पटना शब्द नाम से राजधानी कब से? सॉरी सर इसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है, आपने बताया कि आप फिशरीज में स्पेशलाइज करती हैं। ये बताएं बिहार में जो प्रोत्साहन कार्यक्रम है सरकार का मछली उत्पादन के लिए, उसमें मछली की किन प्रमुख प्रजातियों को अपनाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है? सर उसमें मेजर कार्प्स जैसे कि रोहू, कतला, मृगाल, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है सर। इसके अलावा सर बहुत सारी वैरायटी है, जो कांवर झील है वहाँ का, उसमें सर बेसिकली बहुत वैरायटी है, जैसे कैटफिश की वैरायटी है, मृगाल, रोहू, कतला, मृगाल के अलावा। और उसके अलावा सर तिलापिया है, जो सर जो बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में सर वहाँ पे सर एक्वाकल्चर प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन ये सब सर्वाधिक लोकप्रिय प्रजातियाँ नहीं है सर। मांगूर भी है इसके अलावा। प्यासा क्यों इतना लोकप्रिय हो रहा है? सॉरी सर, प्यासा एक प्रजाति है मछली की जो कि इंटरनेशनली बहुत फेमस है सर। या प्यासी कहते हैं सर? मैंने मुझे नहीं पता था, सॉरी सर। अच्छा, आपने नहीं सुना है, ठीक है। अभी नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसमें ये बिहार गरीबी निवारण में सर्वाधिक सफल राज्य है। सबसे ज़्यादा व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बिहार में ही ऊपर उठाया गया। तो बताएं कि पूरे भारत में कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है और उसमें बिहार की संख्या क्या है? सब फैक्ट्स एंड फिगर्स तो मुझे याद नहीं है सर, लगभग राउंडेड ऑफ फिगर्स। सर इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है सर। सिर्फ इतनी जानकारी है कि 33.76% अभी भी सर पुअर है, अभी भी लोग हैं, मल्टी डायमेंशनली पुअर है सर। क्या ये भारत के सबसे ज़्यादा गरीबी वाला प्रांत है इस आंकड़े के साथ, या और किसी प्रांत में इससे भी ज़्यादा गरीबी है? नहीं सर, बिहार है सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों है सर? बिहार में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा दबाव है सर, उतनी जागरूकता नहीं है लोगों में, और जिस वजह से सर पॉपुलेशन भी एक बैरियर बन रहा है सर। एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटी है और सर इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर बहुत। साइलेंट माइग्रेशन या अननोटिस्ड माइग्रेशन बांग्लादेश से हो रहा है? बांग्लादेश, आप धनबाद में रही हैं, उस पूरे इलाके में जी लगातार आप जब आंकड़े देखते हैं 91 से 2001, 2001 से 11, तो जनसंख्या में ड्रामेटिक चेंजेस नज़र आते हैं कई जिलों में। सर बांग्लादेशी सर माइग्रेशन है कहीं ना कहीं सर, और बिहार में सर नेपाल से भी माइग्रेशन है बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित UCC है उसको दृढ़तापूर्वक बिहार में लागू करना चाहिए? सर UCC के सर अपने पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। लेकिन 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बताएं। सर UCC में सर सेम लॉज सबके लिए प्रिवेल करेंगे तो सर जितना उसमें रीजनल डिस्पैरिटी है उसके लिए कहीं ना कहीं सर बेनिफिशियल साबित हो सकता है। लेकिन सर जैसा बिहार में देखा जाता है सर, वहाँ रीजनल बेस्ड पॉलिटिक्स ज़्यादा है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, तो सर उसका भी सॉल्यूशन वहाँ हो पाएगा। लेकिन सर अगर देखा जाए तो इसके नेगेटिव साइड्स में सर वहाँ कम्युनल वायलेंस भी हो सकता है, इस चीज़ को एजेंडा बनाकर सर। मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, क्या इनसे बचा जा सकता था? सर मणिपुर में जो घटना हुई है सर ट्राइबल कुकी और मैती के बीच में सर, वो सर कहीं ना कहीं बहुत सर दोनों ही ट्राइब्स सर उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं। दूसरा इसके पीछे सर बहुत ज़्यादा सोशियो पॉलिटिकल रीजन भी थे, तो सर कहीं ना कहीं सर बहुत शेमफुल रहा विमेन के लिए सर, वो उसके लिए सर बचा जा सकता था। क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के पर्याप्त तर्क वहाँ उपलब्ध हैं? यस सर। सर लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से अभी उसकी स्थिति है सर, और आर्टिकल 355 के तहत इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से बचाना सर सेंटर की जिम्मेवारी बनती है। तो आपको लगता है सेंटर गलती कर रहा है विलम्ब कर? सर कहीं ना कहीं गलती तो नहीं है, उस पर सर स्टडी की जा रही होगी कुछ ना कुछ बेहतर ही कदम उठाने के लिए सर। ठीक है, ये बताएं बीआडा क्या है? BIADA सर बीआडा सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है सर बिहार की। सर सर ये इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी सर इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए बिहार में, और सर अभी इसके द्वारा सर मेगा स्किल सेंटर्स खोले जा रहे हैं, जैसे कि एक सर दरभंगा में खोली गई है। और सर इसके अलावा सर इसमें स्टार्टअप पॉलिसी के साथ भी सर कंबाइन किया गया है इस इंस्टीट्यूशन को, ताकि सर छोटे लेवल पे MSME को भी बढ़ावा मिल सके सर। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, झारखंड के बिहार से अलग होने से नुकसान तो कई लोग गिनाते हैं, 3 फायदे क्या हुए हैं बिहार को? तो बिहार में सर बिहार में पॉपुलेशन का जो प्रेशर था वो किसी ना हद तक सर पॉपुलेशन डिवाइड हुई तो थोड़ी कमी आई है पॉपुलेशन प्रेशर में, उससे पहले और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो सकता था सर इतनी ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है, एक दूसरा सर जितना प्रीवेलेंसी झारखंड में नक्सलिज्म का है उतना प्रीवेलेंट नक्सलिज्म बिहार में नहीं है सर। और तीसरी सर सर बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होती है गवर्नमेंट की सर झारखंड में, देखा जाए तो सर उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजिंग गवर्नमेंट बिहार में नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आपकी अभिरुचि में आपने लिखा है सिंगिंग, क्या गाती हैं आप? सर एज अ प्रोफेशन तो नहीं है सर, बट ऐसे ही एक नोविस की तरह आप समझ सकते हैं सर, जैसे बस ऐसे ही पास टाइम। क्या गाती हैं आप? भजन गाती हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स गाती हैं? जो स्ट्रेस रिलीज करे बस, तो कोई भी सॉन्ग। ऐसा गाना गा के सुनाइए जिससे हम लोगों का भी स्ट्रेस रिलीज हो और आपका भी स्ट्रेस रिलीज हो। सर एक डिवोशनल सॉन्ग है, वही गाना चाहूँगी। हरि दर्शन को प्यासी अखियां, हरि दर्शन को प्यासी, हरि दर्शन को प्यासी अखियां, हरि दर्शन को प्यासी, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना, ले हो करवट कासी अखियाँ, हरि दर्शन को प्यासी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मैम। बैठ जाइए शशि। ये आपका बीपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट है सर? ये दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू पहला? जी सर। अच्छा, लास्ट टाइम भी आप ज्यूलॉजी लेके ही दिया था आपने। कैसा मेंस में किया है इस बार आपने? सर अभी तो स्कोर रिलीज नहीं करते वो लोग, लेकिन सर मैंने मेंस अच्छा लिखा। कॉपी तो? हाँ सर, कॉपी इस बार पहली बार रिलीज हुई है सर। तो रिलीज होने के बाद देखा होगा सर, मैंने सर अच्छा ही लिखा है, तो उसमें मार्किंग नहीं की हुई है। मार्किंग तो नहीं होगी, बट मैंने अच्छा दिया है। खुद एक होता है ना रिवीजन, तो रिवीजन करके लगा कि ठीक लिखा है हमने। हाँ सर मैंने अच्छा लिखा। अभी कैसा रहा आपका अनुभव आज का हम लोगों के साथ? सर मैं पहली बार आई हूँ, मैं बस ऐसे ही फोन में देखती थी, तो बहुत ज्यादा मतलब अजीब फील होता था, जैसे बहुत स्ट्रिक्ट लोग होंगे, पर सर ऐसा नहीं है सर। ऐसा शशि की आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया है। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। आपने मेहनत की है, ये लग रहा है, कठिनाइयों से लड़के आप आ रही हैं। 17 से 22 का जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, विच इज़ रियल, मतलब ऑनेस्टी लग रहा है कि आपकी बातों में थ्रू आउट द सेशन ऑनेस्टी झलकती रही है। दैट इज़ हाउ इट शुड बी, मतलब आप शुड नॉट ओनली बी ऑनेस्ट, वी शुड ऑल्सो अपियर टू बी ऑनेस्ट। फ्यूचर में भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और प्रश्न तो कई हो सकते हैं, स्थितियाँ कितनी हो सकती हैं, क्या प्रश्न पूछे जाएंगे तो कहना मुश्किल है किसी के लिए भी, बट कुछ जो एक्सपेक्टेशंस है हमें लग रहा है कि चूँकि आपने जियोलॉजी से किया है, फिशरीज़ में स्पेशलाइजेशन किया है, क्योंकि अभी जो एक्वा कल्चर पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है बिहार सरकार में, और सरकार बिहार अपने आप में सेल्फ सफिशेंट हो गई है फिश के प्रोडक्शन में, तो हमें लगता है कि अभी 762,000 टन फिश का प्रोडक्शन हो रहा है बिहार में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जो 2001-2 में अगर देखिएगा 210 टन हो रहा था। वहाँ से हम लोग क्वांटम जंप लेके 762,000 टन पे आए हैं। और जो वैरायटी ऑफ फिश आपने बताया बिल्कुल सही बताया। और सवाल ये उठता है कि नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सपोर्ट, जी सर, कैसे करें हम, उसके लिए क्या आप सजेस्ट कर सकती हैं? थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि ये पेरिसेबल हो जाता है, तो कैसे क्या क्या हो सकता है उसका वो ध्यान रख लीजिएगा। हमने इसी कंटेक्स्ट में आपसे पूछा था कि इसको कैसे आप बिजनेस बना सकती हैं, तो आपने जवाब दिया। तो उसमें पिस्सीकल्चर के अलावा आप हमें लगता है कि थोड़ा सा और भी जो है ना एरिया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप करें हम, आपको एनिमल हस्बेंड्री को कैसे टैप करें सोर्सेज को हम, ये सब करने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। जीएसडीपी का भी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, इसका पता है कि आपको पता है कि क्या आप बोल रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, जो कि महिला वर्ग से आप आती हैं, तो हो सकता है हमें वुमेन एम्पावरमेंट पर क्वेश्चंस हो। जो भी हमने पूछा उसका जवाब आपने शानदार दिया है, थैंक यू सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिंगिंग एक्सेलेंट है, मस्त से। अगर आपको मौका मिले और कोई पूछे तो ज़रूर आप गाइएगा, उसमें आप थोड़ा भी आप संकोच मत कीजिएगा। सात निश्चय आपने पढ़ लिया होगा हमें लगता है, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए स्लोगन के साथ। ये नहीं कि वुमेन सेंट्रिक है, यूथ सेंट्रिक है, ऑल दैट, स्लोगन के साथ पढ़ लीजिए क्योंकि बड़ा कैची स्लोगन्स है इसका। yes. तो वो पढ़ लीजिए और उसके अंतर्गत जो भी इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है उसकी जानकारी आप ले लीजिए, क्या हुआ है और उसका क्या असर पड़ रहा है। वो जो होता है ना, जो सोचने की शक्ति आप में है कि नहीं, इनोवेटिव थिंकिंग है कि नहीं, आउट ऑफ बॉक्स आप सोच सकती हैं कि नहीं, वो उसी सबसे पता चलेगा जब आपका ओपिनियन किसी पर पूछे। एक तो फैक्ट होता है, वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स ओपिनियन होता है। अगर ओपिनियन और आप में है वो, तो अगर आप वो सब पढ़ के सोच भी लें मन में, ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। बजट, आई डोंट नो आपने बजट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे के सब फैक्ट्स बिल्कुल, इकोनॉमिक सर्वे और बजट अभी टाइम है आपके पास, ये दोनों आप देख लीजिए, मोटा मोटी देख लीजिए, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट मोटा मोटी कोई पूछेगा ना कि बजट होता क्या है, पहले तो बजट है होता क्या है, कितने पार्ट से बजट होते हैं, एक जनरल बात हुआ जो स्ट्रक्चर्ड पार्ट हुआ, और दूसरा फिगर्स की बात हुई कि बजट हाईलाइट्स क्या हैं, आपका इसका रिसीट कितना है, आपका एक्सपेंडिचर कितना है, किन मदों में एक्सपेंडिचर हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किन मदों में घटा है, ये सब चीज़। और दूसरा उसका होता है आपको पॉलिसी हाइलाइट्स कि इस बजट में पॉलिसी एग्रीकल्चर पर क्या लिया गया है, 5-6 पॉलिसी डिसीजंस लिए गए। उसी तरह से 3-4 फील्ड है जिसमें क्या क्या लिए गए, वो पढ़ दीजिएगा, आपको पता हो जाएगा। सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, ये सब मोटा मोटी जो एक सामान्य कैंडिडेट को पता होना चाहिए वो आप देख लीजिएगा। फिस्कल डेफिसिट क्या है क्या नहीं है, इतना आप कर लीजिए। अब एक है धनबाद, आप हैं झारखंड में और बिहार दोनों से, बेगूसराय की रहने वाली हैं। बिहार का अभी एक्सपोर्ट इंडेक्स निकला है नीति आयोग का, तो 22वां स्थान है जी। तो टोटल इंडिया के एक्सपोर्ट का 0.5% कंट्रीब्यूशन बिहार का है, बट बिहार का 0.5% का 66% कंट्रीब्यूशन बेगूसराय से आ रहा है। इसलिए कि क्यों आ रहा है, बेगूसराय 66% क्यों कर रहा है, वाइल्ड रिफाइनरी है बेगूसराय में है ना, बरौनी वाली रिफाइनरी है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वो मेजर शेयर लेके चला जाता है वो, इसलिए 66% बेगूसराय में आता है। ये शायद संभवतः कोई पूछ दे आप, हो चूँकि नीति आयोग का इंडेक्स आया है। दूसरा धनबाद और बिहार 2000 में अलग हुआ, उसके बाद से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, नुकसान हुआ कि नहीं, जैसा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, उस पर थोड़ा अपना बना लीजिए। आपने इम्प्रॉम्प्टू अच्छा आंसर दिया, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना, बट आपने अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया अपना और अच्छा आंसर दिया। कुल मिला जुला के वी आर हाईली सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। बी ऑनेस्ट, स्टे द वे यू आर, वो बहुत जरूरी है। नो गैसेस आपने किया नहीं है, बट नो गैसेस फॉर फ्यूचर, एंड एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज लेके थोड़ा सा स्माइल ऑन फेस जरूरी है, ठीक है ना, स्माइल ऑन फेस रहे, यू विल बी डूइंग वंडर्स, ठीक है। थैंक यू सर। और पहन के आप यही जाओगी सर, ये मैं वही पूछना चाह रही थी सर कि ये सही है या फिर सही नहीं है। भाई बड़ा मुश्किल है, साड़ी में आर यू कंफर्टेबल इन साड़ी और यू आर कंफर्टेबल इन दिस ड्रेस। सर कंफर्टेबल तो सर यही है, बट सर साड़ी में होता ऐसा है कि सरकारी महकमे में अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, आप देखोगे प्रायः महिलाएं जो हैं घर के बाहर भले ही बाजार में बहुत मॉडर्न ड्रेस में रहें, बट सरकारी दफ्तरों में साड़ी पहन के ही आती है, तो साड़ी इज ऑलवेज एलिगेंट। सर तो मेरे पास सर दो चॉइसेस है, तो मैं सर आपको सर एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूंगी मैम की है आपके पास अभी यहाँ पे। सर मैम मेरे हस्बैंड के पास है वहाँ। अच्छा अच्छा, आप कभी भी आके मैडम को दिखा देना, साड़ी के मामले में वही बता पाएंगे ठीक से, बट जो भी फैब्रिक आप पहनोगी आप उसकी जानकारी होनी चाहिए। आप इतना ही कहना है हमें। अगर आप तसर सिल्क पहन रही हो बिहार का, उसकी जानकारी होनी चाहिए, या मोगा सिल्क पहन रही हो आसाम का, उसकी जानकारी होनी चाहिए, या जो भी और पहन रही हो, खादी पहन रही हो, उसकी जानकारी होनी चाहिए। उतना ही है, बट साड़ी ड्रेस ये भी बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, पर साड़ी का एक एलिगेंस होता है और कोई खास बात नहीं है, उसका एलिगेंस होता है। ठीक है ना? हाँ, और कुछ पूछना है क्या? नहीं मैम सर, बस वही ड्रेस को लेके सर परेशान। ड्रेस को लेके आप एक बार मैडम से बात कर लेना सर। और अगर पूछा जाए सर कि ज़ूलॉजी को आप एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह यूज करेंगे? आप तो फिशरीज बता ही रही हो तुम्हें, तो यही सब तो है, यही पॉइंट्स बताने। हम तो सारा काम करेंगे जो सरकार हमें कहेगी करने के लिए। मुझ में वो शक्ति है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है जी, और विश्वास है कि जो भी कार्य मिलेगा, लेकिन मुझे स्पेशल नॉलेज है इसमें। अगर इस एरिया में मुझे काम करने का मौका मिला तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ फिशिकल्चर, एग्रीकल्चर में अच्छा काम कर सकती है, क्यों नहीं करेंगे? बहुत अच्छा। हेल्थ में भी आप अच्छा, हेल्थ में भी कर सकती है, हेल्थ में भी कर सकती है, यस हेल्थ में भी कर सकती है। सोच लो, उसमें बहुत अच्छा आंसर बन सकता है इसका। ठीक है सर, और ऐसी ड्रेसअप में बस मैं सर साड़ी ही चेंज करनी है, और कुछ ऐसा सजेशन? और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, और सब बढ़िया। और सब थैंक यू सर, थैंक यू मैम।